स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। प्रदेश भर में चुनाव था और पूरा प्रशासनिक अमला शांतिपूर्ण मतदान कराने की तैयारी में जुटा था, लेकिन चोरों की शातिर निगाह बनी थी शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत गायत्री नगर निवासी प्रमिला शुक्ला के सूने आवास में, जहां रात के वक्त पहुंचे चार की संख्या में चोरों ने जमकर तांडव मचाया। घटना के दौरान शिक्षिका का बेटा अपने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के उपरहटे स्थित आवास गया था और इधर चोर शुक्ला परिवार के नए आवास में घर का ताला चटका कर अलमारी खोलने के बाद सोने के कंगन, चूड़ी, चैन, हार, झुमका, अंगूठी सहित लगभग 1 किलो के आभूषण, नगद 12,000 रुपए लेकर मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक चोरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने चेहरे को रुमालों से ढक रखा था। वहीं मतदान ड्यूटी से घर पहुंची शिक्षिका द्वारा दी गई सूचना के बाद विश्वविद्यालय पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक चोरी की घटना लगभग 35 से 40 लाख की बताई गई है। आइए सुनते हैं पीड़ित को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। मेरा नाम प्रमिला शुक्ला है। मेरी घटना ये हुई कि मैं इलेक्शन ड्यूटी में चली गई, मेरा बेटा भी मेरे साथ में था। मैं 14 तारीख को गई कि मेरे को जाना है इलेक्शन में, तो मैं सोची थोड़ा कम्बल अम्बल खरीद लूँ। मैं बाजार गई, फिर एक मेरा पुश्तैनी घर उपरहटी बना हुआ है, तो मैं वहाँ रुक गई रात में। जब सुबह मेरा बेटा मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज 6 बजे पहुँचा के आया 11 बजे, तो देखा तो यहाँ ताला, ये सब घटना हो चुकी थी उसी के रात में। तो मेरा बेटा बताया, मम्मी यहाँ तो चोरी हो गई है। पर हम वहाँ पीठासीन अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, एक महिला थी वो सेक्टर मजिस्ट्रेट, उनसे बोले कि मैडम मेरे को छोड़ दो, तो बोली नहीं मैडम जी, ये हम आपको अब्सेंट कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, आप ड्यूटी करिए, उसके बाद अपने घर आप जाइएगा। तो मैं अपना आत्मा खौलते खौलते ड्यूटी करी, मेरा मन भी नहीं लग रहा था, पर मैं एक जिम्मेदार महिला अपना कार्य निर्वाह करते हुए मैं सोची कि पहले इलेक्शन करवा दूँ, उसके बाद मैं अपने घर जाऊँ तो देखूँ क्या है। तो मेरा शासन प्रशासन ने भी मदद करी, मेरा पूरा जेवर चांदी का चला गया। मेरे एक बिटिया है, मेरी फरवरी में शादी करनी है, इसके कारण मेरी बिटिया की शादी ना रुके। तो शासन प्रशासन यही है कि मेरा डबल डबल मेरे पास जेवर थे, मेरा बेटा भी था, मेरी एक बिटिया थी, मेरा पति का स्वर्गवास हो गया है। लगभग कितने के गहने चोरी गए? लगभग 30 लाख का तो मेरा सोने का जेवर गया है, और ऐसे 20 या 15 लाख का मेरा चांदी का जेवर गया हुआ है। शासन कहती है, पुलिस कहती है कि आप रसीद दिखाइए, तो मैं रसीद कहाँ से पाऊँ? हैं, नकदी 20,000 रुपया गया है, यहाँ रखा था तो नकदी भी गया है। तो सोने में क्या क्या गया है? सोने में मेरी 4 तोला की एक बगमुआ कंगन गया है, मेरी 4 तोला की बेल चूड़ी गई है, 1.5 तोला का झुमक गया है, बिजली गई है, बाले गए हैं, टॉप्स गए हैं 5-6 नग, और क्या कहते हैं 2 चैन गई हैं 2-2 तोले की, और मतलब सब मिला के 20 तोला मेरा सोना था, तो 20 तोला सोना गया है। अब उसका अमाउंट आप लगा सकते हो कि आज की महंगाई में उसकी कीमत क्या है। चांदी ऐसे चांदी गई है 50, तो मेरे पास चांदी के सिक्के थे बेटे, मैं हर एक साल दिवाली में सिक्के लेती रही हूँ, तो सिक्के ही मेरे थे, 1 किलो की मेरी करधन है। लगभग चांदी के गहने कितने किलो के रहेंगे? लगभग चांदी गहने मेरे 2.5 किलो के रहे भैया। अब मेरे पुराने मैं पुरानी महिला हूँ, पुलिस आके चली गई, पुलिस कहती है कि आप ऐसा लिखाओगे तो आपको रसीद देनी पड़ेगी, तो रसीद तो फाड़ फूड के चले गए, जब मेरे इतना नुकसान के गए तो रसीद छोड़े होंगे। मीडिया खुद ही देख रही है कि वहाँ बैग और उनका जो डिब्बा उब्बा है तो सब पड़ा हुआ है, तो उसमें जेवर रहा, मट्टी तो नहीं रही है। तो मेरा शासन से कलेक्टर है, कैमरा भी सीसीटीवी फुटेज भी आया। हाँ, इसमें 4 बच्चे भी दिख रहे हैं। कितने लोग थे चोर? 4 चोर थे। एक यहाँ का मेरे पड़ोसी में एक लंबा रहता है, बढ़ई है, तो मेरे 2 बार अंदर घुस चुका है। आशंका उसी के ऊपर है। मेरे मोहल्ले वाले देखे, बोले कि फूल तोड़ने के बहाने एक बार कूदा, एक बार मेरे न रहने पर कूदा, यहीं पर लेटा हुआ था, तो मेरा शंका उसी पर जाता है, मेरे मोहल्ले के ही है ये सब चोरी किए हैं। तो शासन प्रशासन मेरी मदद करे, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय जी भी जितने भर है, कहे से कि मैं इलेक्शन ड्यूटी में थी तो मैं अपना दुकान निर्वाह करके आई हूँ, पर अब मेरे ऊपर मेरा शासन प्रशासन का भैया फर्ज बनता है कि मेरी मदद करे, जिससे मैं अपने बच्चों को लेके जी सकूँ, नहीं तो मेरी हार्ट फेल हो जाएगी।